मैं डरने वाला तो हूँ नहीं ना। दो ही बात होगी ना, या तो मैं मरूंगा या तो फिर पूर्णिया जिंदा रहेगा। घटना मेरे साथ घटती है, इसकी पूरी जिम्मेदारी पूर्णिया पुलिस और सरकार की। इन लोगों की मनसा है पप्पू यादव को मरवाने की। बिहार के पूर्णिया हॉट सीट से आ रही है बड़ी खबर। जी हां, ये ब्रेकिंग खबर है पूर्णिया लोकसभा से, जहां निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बाहुबली माने जाने वाले पूर्व सांसद पप्पू यादव के ऑफिस में पुलिस ने छापेमारी मार दी है। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद। बता दें कि घटना की जानकारी जब पप्पू यादव को मिली तो वो कार्यालय पहुंचे। उन्होंने पुलिस से सवाल किया कि आप किसके आदेश पर यहां आए हैं। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव के ऑफिस में पुलिस की छापेमारी से खलबली मच गई है। बता दें कि बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है। हालांकि इस मामले में पुलिस पदाधिकारी अभी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। राजनीतिक माहौल है, लोकसभा का चुनाव तय है, और ऐसे में जहां राजद प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी मैदान में हो तो वहां बाहुबली और पूर्व सांसद पप्पू यादव के मैदान में होने से ज़्यादा ही खलबली मच चुकी है। मामला छापेमारी की है, पुलिस की छापेमारी से खलबली है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार चुनाव खत्म होते होते होता है क्या। लॉ के मुताबिक, चुनाव आयोग के मुताबिक तो चलेंगे ना भाई। चुनाव आयोग जैसा कहेगा वैसा। ऐसा क्यों किया जा रहा, क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? ये बात तो मैंने पहले भी कहा थी, जब मेरी सुरक्षा ले ली गई थी तब से मैं 10 बार चिट्ठी लिखा, एसपी साहब को फोन करके कहा कि मुझे दीजिए, मुझे हाउस गार्ड भेज दीजिए, आज तक नहीं सुनी गई। मैंने पत्र लिख के दे दिया हो कि यदि कोई घटना मेरे साथ घटती है इसकी पूरी जिम्मेदारी पूर्णिया पुलिस और सरकार की। क्या लगा ये राजनीतिक बदला तो नहीं लिया जा रहा? कोई बदला से मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे पूर्णिया की जनता को सीधा लक्ष्य है काम का, लोगों की मदद का। बदला उदला से कोई मतलब नहीं। कोई भी कानून काम करेगा बिल्कुल साफ सुथरा, आप समझ लीजिए लॉफुल काम होगा, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन आप किसी के घर आकर के आ जाइए और जबरदस्ती आकर के बोलिए कि हम गाड़ी ले जाएंगे, अब बिना किसी कानून के, बिना किसी चीजों के, तो भैया आप कोई भी चीज देखेंगे ना कि कोई नियम कानून होगा कि बिना मुखर कानून होगा। एसडीओ साहब के यहाँ से ऑर्डर हो रहा है, ऑर्डर देने में देर किया जा रहा है, ऑर्डर हुए हैं, कुछ ऑर्डर वहां रखे हुए हैं, तो तब तक गाड़ी परमुट होगी ना, गाड़ी बनेगी ना, गाड़ी में सब कुछ लगेंगे ना। गाड़ी कहीं बज रही हो तो आप सीज कर लीजिए बिना परमिशन का, एकदम राइट है आपको। जैसे बंगाल में ये राइट नहीं है, यहाँ वो राइट है, तो आप करते हैं तो आप करिए, फिर हम न्यायालय जाएंगे। नहीं, प्रशासन जो आज जो कार्रवाई है क्या उसके विरोध करें? हमने पहले इसमें विरोध क्या होता है भैया, प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी है, साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं। वो कोई जबरदस्ती, कोई उसकी व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं ना है। सरकार जहां पर ऊपर कोई इन्वॉल्व हो, इस तरह निचले का प्रशासन क्या करेगा? लेकिन आप किसी के घर आने के पहले 100 बार सोचिएगा ना, हम किसी से बात करेंगे तो सोचेंगे ना। आप क्या लग? आपका लगना क्या है? क्या लगा प्रशासन जब आप जनता के बीच से गायब है तो आप चाहते हैं टॉर्चर करना? ये जो मानसिक टॉर्चर है ये करके क्या फायदा होगा? 26 तक तो हमें भी मर्यादा में रहने आता है, कानून के तहत रहने आता है। के लिए आई थी पुलिस गाड़ी लेने के लिए, यहाँ पुलिस यहाँ पहुँची हुई, जांच किया जा रहा है कि गाड़ी में परमिशन है कि नहीं है, कागज की जांच किया जा रहा है। ये गाड़ी रोड पर था तो परमिशन के लिए गया था, इन्होंने बताया कि परमिशन के लिए गया था, उसका हमने लिया है कागज, उसको हम एसडीओ साहब के यहाँ भेजेंगे। सिंगल विंडो में आवेदन है कि नहीं है इसकी जाँच। क्या आरोप क्या लगा हुआ? जाँच किया जा रहा, आरोप कुछ नहीं है। आरोप क्या, गाड़ी का जाँच हो रहा है कि इसकी परमिटेड गाड़ी है कि नहीं है, और उसमें डीजल लगा है कि नहीं, डीजल बजा था कि नहीं, सब जाँच। कितनी गाड़ियाँ जब्त की जा रही है? अभी जब्त कुछ नहीं किया जा रहा, अभी जाँच के लिए। तो मैं आग्रह करूंगा डीएम साहब और एसपी साहब से, किसी भी प्रक्रिया के पहले
आपका ऑर्डर होना बहुत आवश्यक है। मुखेर कानून का कोई ऑर्डर नहीं आवे ये सही नहीं होगा, और किसी के कार्यालय में आकर के आप वर्कर्स को धमकाएं और जबरदस्ती गाड़ी ले जाना चाहें, ये कौन सा ऑर्डर है, कौन सा लॉ है, ये इम्पोर्टेंट मेरा ये सीधा है। कुछ नहीं कह सकता हूँ, आप खुद देख लीजिए। और ये जो प्रताड़ना की सीमा है, एक तो पहले गार्ड ले लिया गया, बीएमपी गार्ड पट्टा में यहाँ अभी तक नहीं दिया गया। उस वक्त भी मैंने यह आरोप लगाया था, कहा था इन लोगों की मंशा है पप्पू यादव को मरवाने की। मैंने गार्ड जब लिया तो उस वक्त भी ये बात मैंने कही थी। मात्र 4 गार्ड हैं, जबकि वाइट ग्रेट में मेरा भारत सरकार के द्वारा ऑर्डर है, वो ऑर्डर मैंने दिया है। उस जिस दिन कांग्रेस मैंने ज्वाइन की थी उसी दिन बीएमपी गार्ड को हटा लिया गया। मैंने कई बार पत्र लिखा, एसपी साहब से बातचीत भी की, लेकिन अभी तक हाउस गार्ड नहीं दिया गया। एक तो वो मानसिकता आप देख लीजिए, और फिर किसी कार्यालय में आकर के आपके पास यदि किसी भी तरह की कोई प्रमाणिकता है, आपको पूरा लॉ कहता है कि आप आइए देखिए, लेकिन आते ही जबरदस्ती गाड़ी ले जाएंगे बिना किसी कारण के, तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है, ये आप समझिए। कौन कौन सी गाड़ियां लेके जा रहे थे? ये डीजे की गाड़ी लगा हुआ है, ये ब्रांडिंग के लिए रोड पर थी, चार गाड़ी है, सभी परमिशन लिए हुए हैं, सब कुछ लिए हुए हैं, बिना किसी ऑर्डर के अन्य पार्टियों की सब कुछ बज रहा है, चल रहा है, कोई ऑर्डर नहीं है, और आप कार्यालय आ गए, तो इससे बड़ा गलत रवैया क्या हो सकता है। मैं डरने वाला तो हूं नहीं ना, दो ही बात होगी ना, या तो मैं मरूंगा या तो फिर पूर्णिया जिंदा रहेगा। मेरे जीते जी पूर्णिया के सम्मान पर मेरे मरने के बाद ही किसी को दुनिया में यह हैसियत होगी, चाहे दुनिया की कोई ताकत, लॉफुल जो भी होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। हमारे कोई भी ऑफिशियल कार्ज के अलावे जो चुनाव आयोग कहता है और चुनाव आयोग के नियम कहते हैं, हम उसी चीज को करें। आखिर इसके पीछे वजह क्या लग रही है भैया? तो पूर्णिया की जनता, दूसरा कोई वजह नहीं। बहरहाल आपको बता दें कि पप्पू यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा, चुनाव जीत लेने दीजिए, फिर सबका हिसाब करेंगे। आपको बता दें कि जिस दिन कांग्रेस ज्वाइन की थी उसी दिन सुरक्षा हटा ली गई, पप्पू यादव का यह आरोप भी है। उन्होंने कहा कि हमें किस बात की सजा दी जा रही है। घटना की जानकारी पप्पू यादव को मिली तो वो कार्यालय पहुंचे और उन्होंने पुलिस से सवाल किया कि आप किसके आदेश पर आए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रचार गाड़ी को सजा रहे थे, उसी बीच पुलिस उनके कार्यालय पहुंच गई। उन्होंने कहा कि उनकी जान को भी खतरा है, जिस दिन उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी उसी दिन सुरक्षा हटा ली गई। सदर एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रचार के लिए बिना परमिशन की गाड़ी सजाई जा रही है और इसी की जाँच करने आए हैं। बहरहाल आपको बता दें कि 20 मार्च को यादव ने अपनी पार्टी कांग्रेस में विलय किया और उसके बाद से ही वे चर्चा में आ गए। पप्पू यादव आहत हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी उन्होंने किया, पूर्णिया सीट से नामांकन दाखिल भी हुई और आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट भी दिया। इस बीच आपको बता दें कि निर्दलीय चुनाव लड़ना उनकी मजबूरी बनी और फिर उन्होंने कहा कि उनकी पॉलिटिकल मर्डर की जा रही है, साजिश है, मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा, मेरा संकल्प राहुल गांधी है। खैर आपको बता दें कि इस जीत के जातीय समीकरण को अगर देखें तो लगभग 2 लाख के आसपास और 1.25 लाख से के आसपास सवर्ण की आबादी है। अब ये सब मिलकर क्या गणित बनाएंगे ये आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन इस पुलिस की छापेमारी से, अचानक की पुलिस की छापेमारी से चर्चा का बाजार गर्म है। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए, हमारा नंबर है
8826227802।